हे गाइस, वेलकम बैक टू राउंड टू फ्लिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से कवर करेंगे नॉन स्टॉप एक्शन फाइट मूवीज को। इस लिस्ट के अंदर भी आपको ताबड़तोड़ एक्शन फाइट मूवीज देखने को मिलेगी, फुल गोलीबारी वाली मूवीज देखने को मिलेगी, और हर बार की तरह इस लिस्ट की सभी मूवीज एक से बढ़कर एक और हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे नंबर 10 की मूवी है रोबिन हुड, जो गई थी साल 2018 में। एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है रोबिन नाम के एक लड़के की, जो कि अपनी महबूबा के साथ एक मजे की जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से इसको नॉटिंघम के शेरिफ दवारा सार्केस के खिलाफ तीसरे महाधर्म युद्ध का लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। और 4 साल बाद जब ये जंग से वापस आता है, तो ये रोबिन की जगह रोबिन हुड नाम का एक बहुत ही फेमस चोर बन जाता है। और ये रोबिन से रोबिन हुड क्यों बना, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.3 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है राइस ऑफ द लेजेंड। यह मूवी आई 2014 में। एक एक्शन बायोग्राफी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है फी नाम के एक बंदे की, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एक बहुत ही पावरफुल गैंग के मास्टर से अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए अपने होम टाउन वापस आता है। पूरे टाउन पे उस मास्टर का राज है, और ये किस तरह उससे अपने फादर की मौत का बदला लेता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की रिवेंज मूवी है। नेक्स्ट लेवल का एक्शन होने की वजह से ये मूवी आपको पल भर के लिए भी बोर फील होने नहीं देगी। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.4 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारे नंबर 8 की मूवी है पेन एंड गेन। ये मूवी आई 2018 में। एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है 3 बॉडी बिल्डर्स की, जो कि जल्द से जल्द बहुत ही अमीर बनना चाहते हैं। इनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे कमाने के लिए सही रास्ते पे चले या गलत, बस जल्द से जल्द अमीर बन के अपने सपनों को पूरा करना है। और पैसे कमाने के लिए किसी को लूटते हैं या किडनैप करते हैं या किसी का मर्डर करते हैं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की एक्शन क्राइम मूवी है। एक्शन सीन्स तो कम है, लेकिन मूवी देखने के बाद लिटरली आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.4 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है मिडवे। ये मूवी आई 2019 में। एक एक्शन ड्रामा हिस्टोरी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जापान और अमेरिका के बीच चल रही वॉर की। पहले जापानीज एयरफोर्स अमेरिका के पार हार्बर पे हमला करके पार हार्बर को पूरी तरीके से तबाह करती है, जिस वजह से अमेरिका को पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में कूदना पड़ता है। और अब जापान का दूसरा निशाना है मिडवे, और जापान मिडवे को उड़ाने में कामयाब होता है या नहीं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की वॉर मूवी है। डेफिनेटली ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। मूवी को रेटिंग में 6.7 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है स्पेक्टर। ये मूवी आई 2015 में। एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है MI6 एजेंट जेम्स बॉन्ड की, जिसको स्पेक्टर नाम की एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, जो कि MI6 के सभी एजेंट्स को खत्म करके दुनिया पे अपना कब्जा करना चाहती है। और जेम्स बॉन्ड किस तरह इन टेररिस्ट को रोकता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.8 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है शूटर। ये मूवी आई 2007 में। एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है बॉब नाम के एक स्नाइपर की, जो कि पहले मिलिट्री के लिए स्नाइपिंग का काम करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से यह जॉब छोड़कर दूर कहीं पहाड़ियों पर एक सुकून की जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन उसी बीच इसको US प्रेसिडेंट को मारने की साजिश में फंसा दिया जाता है। पूरे देश की पुलिस CIA इसके पीछे पड़ी है, और ये किस तरह इन सभी से अपनी जान बचाकर असली कातिल को ढूंढ कर खुद को बेगुनाह साबित करता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 7.1 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारे नंबर 4 की मूवी है दी इक्वलाइजर। ये
मूवी आई 30 साल 2014 में एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है रॉबर्ट नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी पास्ट लाइफ भुलाकर एक आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ में यह बहुत ही ज्यादा खून खराबा किया करता था। लेकिन उसी बीच कुछ माफिया के लोग एक लड़की की बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं, जिसको ये अपनी बेटी की तरह समझता है। उसको ICU में पहुंचा देते हैं, जिसके बाद ये उन लोगों से बदला लेने के लिए निकलता है। और उसी बीच आपको इतना ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा, लिटरली आप इस मूवी के फैन हो जाओगे। और इस मूवी के अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं और दोनों ही पार्ट कमाल के हैं, और दोनों ही पार्ट हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी का रेटिंग 7.2/10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द रेड 2। From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool, who put you up on, huh? E40 Mac Trans. ये मूवी भी आई 30 साल 2014 में, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट आया था साल 2011 में। और इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक बिल्डिंग की, जिसमें एक डॉन रहता है और बिल्डिंग के हर एक फ्लोर पर उसके गुंडे, जो कि डॉन के लिए मरने मारने के लिए हमेशा रेडी है। और डॉन को पकड़ने के लिए एक स्वाट टीम को उस बिल्डिंग में भेजा जाता है। ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, और जैसे ये उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, सभी गुंडे इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। और स्वाट टीम जिंदा बचकर इस बिल्डिंग से बाहर निकल पाती है ना, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। दोनों ही पार्ट में एक्शन को भर भर के डाला हुआ है, और दोनों ही पार्ट हिंदी लैंग्वेज में MX प्लेयर पर अवेलेबल। मूवी को रेटिंग में 7.9/10 IMDb पर। हमारे नंबर 2 की मूवी है ब्लड डायमंड। ये मूवी आई 30 साल 2006 में, एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है सोनमोन नाम के एक मछुआरे की। इसको विद्रोही गुट द्वारा गुलाम बनाकर डायमंड की माइन में जबरदस्ती काम कराया जाता है। और उसी बीच माइनिंग के दौरान इसको एक बहुत ही बेशकीमती डायमंड मिलता है, जिसको ये चुरा लेता है और कहीं छुपा देता है। और अब इस डायमंड को पाने के लिए एक स्मगलर और कुछ खतरनाक लोग बिजनेसमैन इसके पीछे पड़े हैं। और लास्ट तक ये डायमंड किसको मिलता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही ज्यादा कमाल की मूवी है। मूवी के अंदर आपको लव, एक्शन, इमोशन देखने को मिलेगा, जिस वजह से मूवी आपको एक पल के लिए भी बोर फील होने नहीं। मूवी को आप बिना झिझक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 8.0/10 IMDb पर। तो बढ़ते अपनी लास्ट और मास्टरपीस मूवी की ओर, और हमारी लास्ट और मास्टरपीस मूवी है इंसेप्शन। ये मूवी आई 30 साल 2010 में, एक साईफाई एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कुछ ऐसे चोरों की, जो कि रुपया पैसे नहीं बल्कि लोगों के सपनों में जाकर आइडियाज को चुराते हैं और नए आइडियाज प्लांट करते हैं। और इस बार इनको एक बहुत ही खतरनाक मिशन मिला है, जिसमें इनको एक बिजनेसमैन के सपने में बहुत ही गहराइयों तक जाकर एक नए आइडिया को प्लांट करना है। और ये लोग अपने इस मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मास्टरपीस मूवी है, आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 8.8/10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।